कहा जाता है कि युद्ध और राजनीति में टाइमिंग बड़ा मायने रखती है। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के आरएसएस से सवालों की चुनावी टाइमिंग है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा की। केजरीवाल ने करीब 20 मिनट स्पीच दी। इस दौरान घोटाले के आरोपों को षड्यंत्र बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जबरदस्त अटैक किए। दिल्ली में 10 साल के दौरान अपनी सरकार के कामकाज को विस्तार से बताया। अन्ना आंदोलन का भी जिक्र किया और फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे। ये सवाल क्या थे और क्या इन सवालों के पीछे चुनावी राजनीति है, जानना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को आपको गौर से देखना चाहिए। इन लोगों की 22 राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों में कहीं बिजली फ्री नहीं है, तो चोर कौन है? भारत माता की। दिल्ली वालों को फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए। अगर मैं बेईमान होता क्या मैं दिल्ली में बिजली फ्री कर सकता था? क्या मैं महिलाओं का किराया फ्री करता? क्या आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाता? मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जब अरविंद केजरीवाल पहली बार जनता के बीच आए तो वादों और दावों की लंबी लिस्ट भी साथ लाए। 10 साल ईमानदारी से काम किया, मोदी जी को लगने लगा कि अगर इनसे जीतना है तो इनकी ईमानदारी पे चोट करो, इनको बेईमान साबित करो, तो प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र रचा, आम आदमी पार्टी को बेईमान साबित करो, और षड्यंत्र रच के इन्होंने हमारे सारे बड़े बड़े नेताओं को एक एक करके जेल में डाल दिया। दो केजरीवाल उसी जंतर मंतर पर बोल रहे थे जहां 13 साल पहले अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी वजूद में आई थी, लिहाजा उस दौर को याद किया, 10 साल के दौरान अपने काम गिनाए और फिर ये भी बताया कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था, मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था, मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है, मैं पैसे कमाने नहीं आया, देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे, देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे। दिल्ली शराब नीति केस में 13 सितंबर को जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल ने 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई। सियासत में सवाल उठे कि सीएम हाउस कब खाली करेंगे, केजरीवाल बोले नवरात्र में शिफ्ट कर देंगे। मेरे को कई लोग कहते हैं कैसा आदमी है यार तू, 10 साल राजनीति करी, 10 साल सीएम रह गया, 10 साल में तो 10 कोठियां बन जाती, 10 घर बन जाते, 10 प्लॉट बन जाते। मैंने कुछ नहीं कमाया 10 साल के अंदर, केवल आपका आशीर्वाद कमाया, आपका प्यार कमाया है 10 साल के अंदर, और उसी प्यार का नतीजा है आज जब मैं घर छोड़ूंगा मेरे पास इतने लोगों के फोन आ रहे हैं, इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जी मेरा घर ले लो, मेरा घर ले लो, मैं किराया नहीं लूंगा, मेरा घर ले लो। श्राद्ध खत्म होने के बाद जैसे ही नवरात्र शुरू होंगे मैं सीएम आवास छोड़ दूंगा और आप में से ही किसी के घर आके मैं आपके साथ रहना चालू कर दूंगा। केजरीवाल ने पितृपक्ष के बाद मुख्यमंत्री आवास खाली करने की बात कही तो बीजेपी ने भी पलटवार में देर नहीं की। नैतिकता का तकाजा ये है, जिस दिन शराब घोटाले में दोषी पाए गए उसी दिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। अरे श्राद्ध में खाली करो, तुम्हारे जो पिता के पिताजी भी जो होंगे वो भी आपको दुआ देंगे कि भैया कम से कम इस बंगले से जल्दी निकल, वो इतने बड़े आदमी हैं, किसी भी घर में, साधारण घर में जाकर रह लेते। बार पलटवार राजनीति की रीत है, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल की राजनीति का किरदार बदल चुका है।
यही वजह है कि जंतर मंतर पर करीब 20 मिनट की स्पीच में केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता को ललकारा, बीजेपी पर जबरदस्त अटैक किए तो आरएसएस से 5 सवाल भी पूछ डाले। ये आरएसएस वाले कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, आरएसएस वाले कहते हैं हम देशभक्त हैं। आरएसएस के प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी। मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर मोदी जी सरकारें गिरा रहे हैं, क्या उससे सहमत हैं? मोदी जी ने सबसे भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया, क्या उससे सहमत हैं? जेपी नड्डा के बयान से आरएसएस दुखी है या नहीं? क्या 75 साल वाला नियम मोदी जी पर भी लागू होगा? आरएसएस की कोख से बीजेपी पैदा हुई है, क्या आज की बीजेपी के कदमों से सहमत हैं? अरविंद केजरीवाल यहीं नहीं रुके, इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों पर तीखा तंज भी कसा। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद सियासत गरमानी थी, ऐसा ही हुआ। बीजेपी के बहाने केजरीवाल ने आरएसएस पर सवालों की झड़ी लगा दी, जवाब में बीजेपी ने भी सवाल पूछ डाले। अरे केजरीवाल जी, पहले अन्ना के सवालों का जवाब दे दो, कभी अन्ना से पूछ लो कि अन्ना कैसा लगा, तुम्हारा चेला चोर निकला, दारूबाज निकला, कमीशन खोर निकला। अन्ना भी तो तुम्हारा बाप समान है, एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री। अन्ना के पास जाओ, अन्ना से पूछो, अन्ना कैसा लग रहा है, अन्ना कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, अन्ना कुछ टूटा तो नहीं है। अब सवाल पूछने का टाइम खत्म अरविंद केजरीवाल। बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करने में देर नहीं की। ईमानदारी से लेकर के ठेकेदारी तक का सफर पूरा करके अरविंद केजरीवाल फिर एक बार 10 साल पुराने उसी स्थान पर जा बैठे हैं, वही ढोंग वही ईमानदारी का सर्टिफिकेट फिर बांट रहे हैं। पर अफसोस इस बात का है कि फिर से दिल्ली वालों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वो व्यक्ति जो अन्ना हजारे और कुछ ऐसे चेहरों के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करता था, उसका रोम रोम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। केजरीवाल के बयान से राजनीति का पारा चढ़ा तो आम आदमी पार्टी भी सामने आई, क्या कहा सुनिए। सबसे ज्यादा ईमानदार अगर कोई नेता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। जहां तक वादे की बात है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं फ्री बिजली दूंगा, तो उन्होंने दी, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। योगी जी को ये आंसर करना चाहिए जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने 5 सवाल पूछे। राजनीति अपनी जगह है, बीजेपी के बहाने आरएसएस से पूछे अरविंद केजरीवाल के सवालों ने राजधानी की राजनीति गर्मा दी है। लेकिन सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने संघ से सवाल क्यों पूछे? आरएसएस पर निशाना साधने का मकसद क्या हो सकता है? क्या संघ से सवाल के पीछे हरियाणा चुनाव है? ये सवाल इसलिए क्योंकि केजरीवाल जिस वक्त जंतर मंतर से आरएसएस पर सवालों की बौछार कर रहे थे, तब संघ प्रमुख हरियाणा में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद थे। समालखा में कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन प्रसिद्ध कथावाचक रमेश भाई ओझा ने किया था। 3 दिन के सम्मेलन में देश की 80 ट्राइबल कम्युनिटीज समालखा में मौजूद रही। सम्मेलन में सभी राज्यों की जनजातियों के कुल मिलाकर 2000 के करीब प्रतिनिधि शामिल हुए। वैसे इस सम्मेलन का चुनावी सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है और इस बार हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा में जोरदार कैंपेन भी कर रहे हैं। 2 दिन पहले जगाधरी में रैली की थी, बोले हरियाणा में कोई भी सरकार आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनेगी। इस बार पूरा हरियाणा बदलाव मांग रहा है और हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी
आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के बिना नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को लेकर लोकल बॉय वाला कार्ड खेल रही है। क्या ये कार्ड पार्टी को मजबूती दिला पाएगा? जवाब पिछले चुनाव के नतीजों से समझा जा सकता है। हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 90 में से 46 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। सिर्फ 0.48% वोट मिले, जो नोटा से भी कम थे। लेकिन ये 5 साल पहले की बात है। इस दौरान दिल्ली के अलावा पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, लिहाजा इस बार आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। महिलाओं, दलित, पंजाबी और जाट सबको टिकट थमाए हैं। इसीलिए राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर केजरीवाल की पार्टी अब की बार अपना खेल बना नहीं सकी तो बहुतों का सियासी खेल बिगाड़ जरूर सकती है। दिल्ली में चुनाव होने में अभी करीब 5 महीने का वक्त है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आने वाला चुनाव उनकी अग्नि परीक्षा है। साफ है कि आम आदमी पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जिस वक्त जंतर मंतर से बीजेपी पर अटैक कर रहे थे, उसी वक्त बीजेपी जंतर मंतर के करीब धरना दे रही थी। सारा मामला इस रिपोर्ट में। भारत माता की इनकलाब। एक्शन, इमोशन और क्वेश्चन। जंतर मंतर पर नीले और पीले ध्वज फहरा रहे थे। सामने सैकड़ों कार्यकर्ता थे और मंच से अरविंद केजरीवाल वक्त के पन्नों को टटोलते हुए आने वाले सियासी दौर की लकीर तैयार कर रहे थे। अप्रैल 2011 को जंतर मंतर से शुरू हुआ था। चैलेंज करते थे, चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ। हम भी चुनाव लड़ लिए, देश के अंदर साबित कर दिया ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते भी जा सकते हैं। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता थे। एक दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली आतिशी और उनका पूरा मंत्रिमंडल मौजूद था। अरविंद केजरीवाल ने करीब 20 मिनट स्पीच दी, कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। ईडी और सीबीआई के बहाने जोरदार हमला बोला। मोदी जी ने हमारे ऊपर सबसे कठोर कानून लगाया इस देश का, ईडी का कानून, पीएमएलए। उसमें बेल भी नहीं मिलती, लेकिन केस फर्जी था। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने हम सबको बेल दे दी। मैं दाग के साथ नहीं जी सकता, दाग के साथ काम करना तो दूर की बात है, मैं इस दाग के साथ मैं जी भी नहीं सकता, मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद 13 सितंबर को जमानत पर जेल से बाहर आए। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी कि वे सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे और न ही किसी फाइल पर साइन करेंगे, यानी जेल से बाहर आने और मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके पास पावर नहीं रही, लिहाजा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया और अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जनता दरबार लगाने का फैसला किया है। सवाल ये है कि इसका मकसद क्या है? जवाब ऐसे समझिए। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है, यानी सरकार के पास चुनाव में सिर्फ 5 महीने ही बचे हैं। इस्तीफे के ऐलान के वक्त अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में नवंबर में चुनाव कराने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने इससे इनकार कर दिया था। आने वाला चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, यह दिल्ली का आने वाला चुनाव केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो केजरीवाल को वोट देना, अगर आपको लगता है केजरीवाल बेईमान है मुझे कतई वोट मत देना। ये झाड़ू अब चुनाव चिन्ह नहीं है,
ये झाड़ू चुनाव चिन्ह नहीं है आम आदमी पार्टी का, ये झाड़ू आस्था का प्रतीक है। जब एक आदमी वोट डालने जाता है और झाड़ू का बटन दबाता है तो अपनी आंख बंद करके पहले भगवान का नाम लेता है। केजरीवाल कोर्ट की शर्तों में बंधे हैं। जेल से छूटने के बाद केजरीवाल के साथ सहानुभूति है। वक्त से पहले दिल्ली में चुनाव की मांग कर केजरीवाल इसे भुनाना चाहते हैं। चुनावी मोड में आ चुके हैं, लिहाजा बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला। जंतर मंतर के करीब ही केजरीवाल के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। कश्ती जो है वो लगा दी गई है बीजेपी की तरफ से। केजरीवाल का वो बंगला, उसका यहाँ मॉडल लगाया गया है। अंदर जो कुछ भी मुमकिन कमरा हो सकता है, चाहे डाइनिंग एरिया हो, ड्राइंग रूम हो, मास्टर बेडरूम हो, एक्स्ट्रा बेडरूम हो, उन सभी चीजों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं। यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। मोर्चा और संगठन के कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं जो धरने पर बैठ गए हैं। साफ है कि दिल्ली में चुनाव में भले अभी वक्त हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी भी एक्टिव हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के जनता की अदालत की काट में बीजेपी ने जनता दरबार ढूंढा है। हर शनिवार को दिल्ली बीजेपी के ऑफिस में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ बीजेपी के एक सांसद जनता दरबार में आएंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। जो भी कार्यकर्ता या दिल्ली की जनता का कोई भी नुमाइंदा यहाँ अपनी समस्या लेकर आता है तो संबंधित विभाग से बात करना, संबंधित अधिकारियों को निर्देश देना और कैसे हम जनता के लोगों की मदद कर सकें उस विषय में अपना योगदान देना। तो एक तरह से जो हम सेवा और समर्पण की बात करते हैं उसका सही मायनों में ये एक वो रूप है जो दिल्ली की जनता को देखने को मिलेगा। दिल्ली की सत्ता से बीजेपी 26 साल से दूर है। 1998 में सुषमा स्वराज दिल्ली में बीजेपी की आखिरी मुख्यमंत्री थी। केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने और लगातार तीनों बार सातों सीट जीतने के बावजूद बीजेपी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अभी तक सफलता नहीं मिली है।